नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों का खेत 15 से 20 दिन बाद अगर खाली हो रहा है, फिलहाल अगर आपका खेत खाली नहीं है, या यूं कहें कि नवंबर के मध्य तक या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप सब्जियों की बुआई करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों के पास में मौका है एक ऐसी सब्जी फसल लगाने का जिसको आप बिल्कुल कम रिस्क में लगाकर और काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मार्केट में डिमांड इस फसल की काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। साल भर में सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय लगाने पर इस फसल की आपको देखने को मिल सकती है। मंडी भाव की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 60-70 रुपये से लेकर और 80-90 रुपये तक के मंडी भाव आपको इस फसल के मिल जाएंगे। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त इस फसल से आपको मिल जाएगा। बाकी किसी भी सीजन में अगर आप इस फसल को लगाते हैं तो इसमें खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बेगार आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, रोग बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इस सीजन में अगर आप इस फसल को लगाएंगे तो बिल्कुल कम रिस्क में, कम खर्चे में, बिल्कुल आसान तरीके से इस फसल को लगाकर और आसानी से जोरदार कमाई और जोरदार उत्पादन आप इससे ले पाएंगे। रोग बीमारियां भी काफ़ी कम आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, किस तरीके से आपको इसको लगाना है, कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झंझनों। दोस्तों नवंबर एक ऐसा महीना है जिसमें आप रबी में बोई जाने वाली सब्जियों की खेती भी कर सकते हो और गर्मियों में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियां लगाकर भी काफी शानदार कमाई कर सकते हो। बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि इस सीजन में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो गर्मियों वाली सब्जियां जरूर लगाएं साथ में। गर्मियों वाली सब्जियों में मुनाफा ज्यादा निकलने के चांसेस हैं, उत्पादन भी आपको शानदार मिलता है उस समय लगाने पर और मंडी भाव भी यानी कि मार्केट वैल्यू भी आपको काफी शानदार मिल जाती है। बाकी रबी में बोई जाने वाली जो सब्जियां हैं वो गिनी चुनी सब्जियां हैं और नवंबर माह में काफी कम सब्जियां ऐसी बचती है जिनकी खेती आप कर सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं आज के इस वीडियो में, आप अगर इस नवंबर माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो करेले की खेती का चुनाव करके देख लीजिए एक बार। मैं हर बार इस सीजन में अगेती सब्जियों की खेती करता हूं और हर बार अगेती सब्जियों से काफी शानदार कमाई हो जाती है। अगेती सब्जियों के आप चाहे किसी भी तरह की अगेती सब्जियां इस समय पे लगा लीजिए, मार्केट वैल्यू हर एक फसल की आपको जबरदस्त मिलेगी, काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी। और करेले की खेती किसान भाई इस समय पे करेंगे तो इसमें बेगार आपकी बाकी सीजन के मुकाबले कम हो जाएगी, यानी कि मंडप तैयार करने की आपको बेगार नहीं करनी पड़ेगी। मंडप में आपका जो खर्चा होता है वो भी आपका बच जाएगा और मंडप करने तैयार करने में बेगार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है किसान भाइयों की, वो बेगार भी आपको करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाकी के सीजन में अगर हम करेला लगाते हैं तो इसके लिए हमें मंडप तैयार करना पड़ता है, बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है और उसके बाद ही हमें अच्छा उत्पादन मिल पाता है। वरना अगर जमीन पे बेलों को रखते हैं बारिश बरसात वगैरह के सीजन में तो फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और बेलों में सड़न वगैरह की समस्या भी आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बारिश के सीजन में। बरसात के सीजन में बेलें जमीन पे रहती हैं तो मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से और बरसात वगैरह ज्यादा होने की वजह से बेलों में सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है और फल भी आपके जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन इस सीजन में अगर आप करेला लगाते हैं तो जमीन पर ही आप इनकी खेती कर सकते हैं, यानी कि मंडप वगैरह तैयार नहीं करना पड़ेगा आपको। बाकी इस सीजन में करेले की खेती अगर आप करेंगे तो जब आपका करेला मार्केट में आएगा, आप ये मानिए कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका जो करेला है वो मार्केट में आ जाएगा। बाकी आपके एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, सर्दियां लेट तक अगर गिरती हैं तो मार्च का 15-20 मार्च तक का समय भी आ जाता है और टेम्परेचर अगर जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो मार्च के पहले सप्ताह तक या फिर फरवरी के आखिरी सप्ताह तक भी आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मार्च महीने में भी अगर आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलती है तो यकीन मानिए पहली तुड़ाई से ही आपको सबसे टॉप मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। उस समय पर हम हर बार मंडियों में जाते रहते हैं, कम से कम 60-70-75 रुपए के मंडी भाव करेले के रहते हैं, यानी कि मार्केट में डिमांड काफी जोरदार रहती है और इस समय पे लगाए गए करेले के
उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा, मतलब रोग बीमारियां काफी कम आपको देखने को मिलेंगी। क्रॉप कवर के अंदर रहने की वजह से किसी भी तरह का इंसेक्ट अटैक आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। और फल फूल की अवस्था में, जब फरवरी में फल फूल की अवस्था में आपकी फसल आएगी, उस समय पर क्लाइमेट काफी ज्यादा सुटेबल होने की वजह से फसल के काफी ज्यादा फल फूल यानी कि उत्पादन काफी जोरदार आपको देखने को मिल सकता है। बस 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर आप सीड शोविंग कर दीजिए। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना जरूरी है। प्लास्टिक मल्च लगाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। 21 से 25 माइक्रोन तक की आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो शानदार उत्पादन मिल जाएगा। खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज जो है वो भी आपको डालना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कम से कम 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें, 35 से 40 केजी म्यूरेटो पोटाश, 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% वाला ले लीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और 3-4 बार कल्टीवेशन कर लीजिएगा। मतलब खाद उर्वरक डाल रहे हैं उससे पहले कम से कम 2-3 कल्टीवेशन कर लीजिए। एक तो मिट्टी पलटने वाला हल से कर लीजिए, उसके बाद में एक कल्टीवेटर से कर लीजिए, एक कल्टीवेशन आप रोटावेटर से कर लीजिए। अभी आपके पास काफी ज्यादा समय पड़ा है, इसलिए जमीन की तैयारियां प्रॉपर तरीके से करें। जमीन की तैयारियां अगर आप पहले ही शुरू कर देंगे, पहले वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जमीन की तैयारियां आप ठीक तरह से कर सके। बुआई से 15-20 दिन पहले अगर आप जमीन की तैयारियां शुरू कर देंगे तो जड़ से संबंधित बीमारियां यानी कि किसी भी तरह की बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। फसल आपकी काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, जड़ों का विकास भी काफी शानदार तरीके से होगा अगर अच्छे से आप जमीन की तैयारियां करके उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करेंगे। तो आखिरी कल्टीवेशन से पहले खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में एक कल्टीवेशन और कर दें, उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के और बीजों बुआई कर सकते हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी बुआई कर देनी है, तभी सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिलेंगे। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आपके करेले की बुआई हो जाती है तो साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव करेले के आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस सीजन में अगर आप करेले की खेती कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं आपको कुछ करेले की सबसे बेस्ट जो वैरायटियां हैं इस समय के लिए वो बताने जा रहा हूं, उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपकी मंडियों में आप जरूर देख लेना कि आपके एरिया में या आपकी मंडियों में किस टाइप का करेला ज्यादा चलता है। बाकी मैं आपको मिक्स वैरायटियां बताता हूं, जो छोटे वाला करेला आता है, एक लंबी साइज का करेला आता है, कौन सी वैरायटी आपके एरिया में चलती है उस हिसाब से आपको इनका सिलेक्शन करना है। नंबर एक पर जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची F1 के नाम से आएगी, ये काफी अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है VNR की नंदिता वैरायटी, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। VNR की ही एक आकाश के नाम से आती है, ये भी करेले की काफ़ी शानदार वैरायटी है। सीजनटा की एक अस्मिता के नाम से वैरायटी आएगी, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी काफ़ी शानदार है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक सेमिनस कंपनी की अभिषेक के नाम से वैरायटी आती है, ये भी करेले की काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में VNR की 28 नंबर वैरायटी और VNR की ही एक नंदिता वैरायटी, आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। 6-7-8 वैरायटियाँ यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, जो वैरायटियाँ आपको अच्छी लगे या आपके एरिया में ज़्यादा डिमांड है उस वैरायटी की, उसी हिसाब से आप वैरायटियों का सिलेक्शन करें और इस समय पे करेला लगाकर बताए गए समय पे करेले की खेती करके अच्छी कमाई आप इस समय पे कर सकते हैं। दोस्तों, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में अगर आप करेला लगा रहे हैं गर्मियों के लिए यानी कि सबसे अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं करेले की, तो इस समय पे आपको क्रॉप कवर यानी कि लोटनल विधि से इसकी खेती करनी पड़ेगी, वरना पाले की वजह से आपकी फसल खराब हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्रॉप कवर का जो खर्चा है वो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी जो फसल है वो सबसे अगेती होगी। क्योंकि मंडी भाव तो आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी फसल जो है वो सबसे अगेती होगी। नवंबर में लगाएंगे तो भी सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे, उसके बाद में किसान भाई इसको दिसंबर महीने में भी लगा सकते हैं और उसके बाद में जनवरी माह में भी इसको लगाया जा सकता है। वैसे जनवरी के आखिरी सप्ताह तक अगर आप लगाते हैं तो तब तो इसकी खेती आप ओपन फील्ड में ही कर सकते हैं, क्योंकि बाद में पाले वगैरह नहीं गिरते हैं। कुछ एक एरिया को छोड़ के जहाँ पर जनवरी के बाद में पाले नहीं गिरते हैं, मतलब 15 जनवरी बाद में पाले वगैरह नहीं गिरते हैं, उसके बाद में जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हो ओपन फील्ड में भी। लेकिन अगर आप इसको नवंबर में लगाते हैं या दिसंबर में लगाते हैं
या 8-10 जनवरी के आसपास लगाते हैं तब आपको इसको क्रॉप कवर से कवर करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब आपका क्रॉप कवर हटेगा यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं जनवरी के आखिरी सप्ताह तक या फरवरी के पहले सप्ताह तक, उसी समय पर आपकी जो करेले की फसल है वो फल फूल के स्टेज में आ चुकी होगी और सबसे जल्दी आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। जिस समय पर आपके करेले की हार्वेस्टिंग शुरू होगी मंडियों में, जब आपके करेले की आवक शुरू होगी वो पहली आवक मानिए मंडियों में, उससे पहले मंडियों में ना के बराबर करेला आपको देखने को मिलता है। तो जब आपके करेले की हार्वेस्टिंग शुरू होगी उसी समय से काफी अच्छी मार्केट वैल्यू आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बताए गए तरीके से और बताए गए समय पे इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे आप करेले की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई सब्जियों की खेती से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।